दोस्तों, मैं आज से जिज्ञासा कुतूहल नाम का नया एपिसोड चालू करने जा रहा हूँ। इसमें रिलीजन एंड फिजिक्स, रिलीजन एंड इस्लाम से रिलेटेड छोटे छोटे सवाल होंगे। दोस्तों, एक हदीस में है कि कल क़यामत में एक दिन 1000 साल का होगा। तो दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती, दुनिया में तो एक दिन 24 घंटे का, और कल क़यामत में एक दिन 1000 साल के बराबर कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को फिजिक्स ने सिद्ध कर दिया है। फिजिक्स में एक चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें एक न्यूमेरिकल है कि अगर अर्थ का रेडियस डबल हो जाए तो दिन की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों, इसका आंसर होता है 96 आवर्स, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अगर रेडियस 2 गुना बढ़ा तो 2 का स्क्वायर 4 और 24 × 4 96 आवर्स हो गए। जब सिर्फ डबल होने से 96 आवर का होगा, इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस 10 टाइम्स हो गया, अभी से 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, तो 10 का स्क्वायर 100, तो दिन की लंबाई कितनी होगी, 2400 घंटे की होगी। अगर मान लेते हैं 1000 गुना बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में दिन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 × 10⁶ हो जाएंगे, 24 लाख घंटे का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा, दिन की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो कल क़यामत के दिन जो है, अल्लाह ताला जानू जो है सबको, जितने स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, गैलेक्सीज हैं, सबको तोड़ कर एक बना देगा और सब आपस में मिलकर काफ़ी बड़ा बन जाएगा, जिससे रेडियस बढ़ जाएगा और दिन की लंबाई भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, आप क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं इस तरह का डेली कुछ न कुछ जो है रिलीजन एंड साइंस या फिजिक्स रिलेटेड जो सवाल है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।